हेलो एवरीवन, आइए बात करते हैं प्रिडिक्टिव वैलिडिटी की और दो स्ट्रक्चर मॉडल्स को कैसे कंपेयर करेंगे हम स्मार्ट पीएलएस में। फ्रेंड्स, ये दो अलग अलग बातें हैं और मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री से बताता हूँ। अमोस जब भी हम यूज़ करते हैं, अमोस के अंदर एक बहुत ही शानदार इंडिकेटर है सीमिन बाई डी एफ। जब भी आपको नया मॉडल बनाते हैं, मॉडल में चेंज करते हैं, तो हमेशा ये आपका काई स्क्वायर वैल्यू चेंज हो जाती है और हम चेक करते हैं क्या वो सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है या नहीं, और आपके सी एफ आई, जी एफ आई, एन एफ आई ये सब इम्प्रूव भी हो जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि स्मार्ट पी एल एस में मॉडल फिट हमारे पास अभी तक थे ही नहीं। वर्जन 2 में तो थे ही नहीं, वर्जन 3 में थोड़े से डाले, पर अब 4 वर्जन के अंदर काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। काफ़ी लोग हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि मॉडल फिट इंडिकेटर स्मार्ट पी एल एस में भी डाले जाएं। और दूसरा इनका ये कहना है कि जो पी एल एस है वो एक्चुअली कॉजल प्रिडिक्टिव अप्रोच है, जो नॉर्मल थी ओ एल एस या एम एल ई उनसे थोड़ा सा अलग है। इसमें दोनों चीजें हैं, इसमें एक्सप्लेनेशन भी है और इसमें प्रिडिक्शन भी है। पर प्रॉब्लम क्या हो रही है, मेजोरिटी ऑफ द पेपर्स में, मेजोरिटी ऑफ द स्कॉलर्स ने सिर्फ एक्सप्लेनेशन पे काम किया है, यानी आर स्क्वेयर, एडजस्टेड आर स्क्वेयर एंड सो ऑन। प्रिडिक्शन पे बहुत ही कम लोगों ने काम किया है और सी वी पैट तो खैर बिल्कुल ही नया आया है। तो वो जो डेवलपर हैं, इन्होंने एक अप्रोच दी है कि पी एल एस प्रिडिक्ट को कैसे यूज करना है और प्रिडिक्टिव वैलिडिटी को कैसे एस्टेब्लिश करना है। तो पहले तो एक बार हम बात करते हैं वैलिडिटी की। जो डिफरेंट तरह की वैलिडिटी के बारे में हम जानते हैं, उसमें से तीन तो यूज होती हैं मेजरमेंट मॉडल में, कन्वर्जेंट, डिस्क्रिमिनेंट, दोनों ये हमारी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का पार्ट है, एक नोमोलॉजिकल वैलिडिटी। ये तीन तो हमारी आती है मेजरमेंट मॉडल में, और प्रिडिक्टिव वैलिडिटी हमारी आएगी स्ट्रक्चर मॉडल में। तो इसके रिगार्डिंग एक पेपर है प्रत्युष शर्मा, बेंजामिन हेयर, मार्को रिंगल, इनका 2022 में ये पेपर आया है, और यहाँ पे मैंने इसको हाइपरलिंक भी दिया है। ये एमराल्ड की साइट पे अवेलेबल है, ये ओपन सोर्स में। तो पेपर का कहना है, प्रिडिक्टिव मॉडल असेसमेंट एंड सिलेक्शन इन कंपोजिट बेस्ड मॉडलिंग यूजिंग पी एल एस एम एक्सटेंशन एंड गाइडलाइंस फॉर द सी वी पैट। हालांकि इसमें सी वी पैट का भी थोड़ा सा दिया है, पर बेसिकली इन्होंने जिक्र किया है कि प्रिडिक्टिव वैलिडिटी आप कैसे एस्टेब्लिश करेंगे, कैसे करेंगे। तो इन्होंने कहा, देखिए, एक तो आप अपने पीएलएस से रन करें। पहले तो समझे पीएलएस प्रिडिक्ट होता क्या है। पीएलएस प्रिडिक्ट के अंदर हम एक होल्ड आउट सैंपल देते हैं, आपका लेट से 80% के ऊपर मॉडल बनाएंगे और जो रिमेनिंग 20% है उसके ऊपर उस मॉडल को चेक करेंगे कि कितनी उसकी एक्यूरेसी आती है। तो वो 20% तो ऐसे ही हो गया ना, जैसे एक नया लिया उस पर काम किया है। आर स्क्वेयर वगैरह की प्रॉब्लम ये थी फ्रेंड्स, आर स्क्वेयर उसी डाटा सेट से निकलता है और उसी के ऊपर आप चेक कर लेते हैं। तो उनका ये कहना कि आर स्क्वायर बड़ा शानदार है, ये थोड़ा सा डाउटफुल है क्योंकि आपने नए मॉडल पे तो चेक नहीं किया ना। जिससे आपने रिग्रेशन इक्वेशन बनाई उसी से वाई से निकाला, वहीं पे आर स्क्वायर चेक कर लिया, आपने कहा बड़ा अच्छा आ रहा है। लेकिन एक्सप्लेनेटरी पावर में ये प्रॉब्लम थी कि आप उसी डाटा सेट पर काम करते हैं। प्रिडिक्टिव पे कंसेप्ट आता है होल्ड आउट सैंपल का, इसका मतलब आप अपने पूरे ओरिजिनल डाटा को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। मेजोरिटी लेट से 70-80% आपका होता है मेन सैंपल, और रिमेनिंग द 20-30% वो होता है होल्ड आउट सैंपल। मेन सैंपल पे आप रिग्रेशन इक्वेशन बनाएंगे और रिमेनिंग 20% पे चेक करेंगे प्रिडिक्शन करके, और उसको कंपेयर करेंगे ओरिजिनल डाटा से। ये हमारा कहलाता है प्रिडिक्टिव वाला पार्ट। तो इसको कैसे पता लगे कि पीएलएस का अच्छा है हमारा, उसके लिए इन्होंने 3 स्टेप की प्रोसेस दी है इस पेपर में और फिगर 2 में गिवन है। इसमें फर्स्ट स्टेप है, आप पहले देखें किस पे काम करेंगे, एक कंस्ट्रक्ट पे करेंगे या पूरे मॉडल पे करेंगे, तो पीएलएसएम आपको दोनों दे देगा। सेकंड है, आप जो असेसमेंट है प्रिडिक्टिव की उसको चेक करें। पहले तो आप चेक करें आईए के साथ और फिर आप चेक करें एलएम के साथ। आईए क्या है? इंडिकेटर एवरेज। एलएम है लीनियर मॉडल, जो सिंपल ओएलएस रिग्रेशन है। तो अगर हमारा पीएलएस आईए से भी अच्छा नहीं है, फिर तो उसकी कोई प्रिडिक्टिव वैलिडिटी नहीं है। अगर अच्छे का मतलब छोटा होना चाहिए, यहां हम एक लॉस का कंसेप्ट आएगा, लॉस कम होने चाहिए। फिर हम चेक करेंगे पीएलएस को एलएम के साथ, अगर ये एलएम से भी बेहतर है तो बहुत स्ट्रांग है प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, अदरवाइज प्रिडिक्टिव वैलिडिटी लो है, और आईए से छोटा है तो नो। और थर्ड डेवलपर्स का कहना है ऑथर्स का, कि ये ऑप्शनल है, ये होता है एक्चुअली आर स्टूडियो के अंदर। ये एज ऑफ नाउ, एज ऑफ नाउ का मतलब है आई एम टॉकिंग ऑन मार्च 2023, ये सी वी पैट जो आर स्टूडियो में ही अवेलेबल है, पीएलएसएम में अभी नहीं है ये।
तो एक बार देखते हैं, मेरे पास एक मॉडल है ये, क्वालिटी लीड्स टू सेटिस्फैक्शन एंड सेटिस्फैक्शन लीड टू लॉयल्टी एंड इंटेंशन, इसकी प्रिडिक्टिव वैलिडिटी मुझे चेक करनी है। तो इसके लिए मैं, ये फ्लो चार्ट है जो फिगर 3 में गिवन है। सबसे पहले तो हम चेक करेंगे क्या ये IA इंडिकेटर एवरेज से बेहतर है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर तो आपकी कोई वैलिडिटी नहीं है। अगर बेहतर है तो सेकंड स्टेप में मैं LM से चेक करूंगा, लीनियर मॉडल से। लीनियर मॉडल से भी अच्छा है तो स्ट्रांग है, अदरवाइज लो प्रिडिक्टिव वैलिडिटी है। लेट्स चेक। ये इन्होंने दिया है कि अगर प्रपोज वाला बेंचमार्क से, बेंचमार्क जो भी आपका, या तो इंडिकेटर एवरेज होगा या LM, स्टेप वन में इंडिकेटर एवरेज, स्टेप टू में LM, अगर इक्वल है, ग्रेटर है, फिर तो कुछ नहीं होगा, कोई आउट परफॉर्म नहीं कर रहा। छोटा होना चाहिए और सिग्निफिकेंटली छोटा होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि ये बढ़िया काम कर रहा है, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी काफी अच्छी है उस कंस्ट्रक्ट की या ओवरऑल की। तो मैंने क्लिक किया इस PLS के अंदर, बना के PLS प्रिडिक्ट के अंदर, वहां पे मेरे पास ये रन होके आ गया। मैंने CV पैट पे क्लिक किया। पहला है वर्सेज IA। अब देखिए यहां पे क्या है, PLS वर्सेज इंडिकेटर एवरेज, जो PLS के लॉस हैं माइनस इंडिकेटर एवरेज के लॉस हैं, राइट। तो यहां पर ये आ रहा है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब PLS के लॉसेज कम है इंडिकेटर एवरेज के लॉसेज से। क्या वो सिग्निफिकेंट है? तो तीन तो हमें दिख रहे हैं, एक दो सेटिस्फेक्शन नहीं है यहां पे, लेकिन ओवरऑल भी सिग्निफिकेंट है। इसको कैसे लिखेंगे हम? इसको हम लिखेंगे एवरेज लॉस ऑफ PLS आर सिग्निफिकेंटली लोअर, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है, और सिग्निफिकेंटली कैसे? क्योंकि 0.05 से छोटे हैं ये दो, फॉर द देन द एवरेज लॉस ऑफ इंडिकेटर एवरेज फॉर द कंस्ट्रक्ट इंटेंशन एंड लॉयल्टी और एज वेल एज द ओवरऑल मॉडल। इनका तो काफी सही है। तो इंटेंशन और जो लॉयल्टी है वो हमारा स्टेप वन में क्लियर हो गया कि हाँ उनकी प्रिडिक्टिव वैलिडिटी है, लो है या हाई है वो भी देखेंगे स्टेप वन में। लेकिन सेटिस्फेक्शन फेल हो गया। सेटिस्फेक्शन का लो तो है यहां पे, जो इंडिकेटर एवरेज है उससे छोटे हैं लॉसेज, लेकिन सिग्निफिकेंटली छोटे नहीं है, तो सेटिस्फेक्शन की प्रिडिक्टिव वैलिडिटी नहीं है। लेट्स गो टू द सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में आई विल क्लिक ऑन दिस लीनियर मॉडल। तो लीनियर मॉडल पे हमने देखा कि हमारा ये एक तो आया है काफी छोटा, लेकिन दो में सिग्निफिकेंटली लोअर नहीं है लीनियर मॉडल से, और ओवरऑल है। इसको क्या लिखेंगे हम? यहां लिखेंगे एवरेज लॉस ऑफ PLS, एवरेज लॉस ऑफ PLS, क्योंकि PLS माइनस LM है, इज सिग्निफिकेंटली लोअर। ये लोअर है, नेगेटिव वैल्यू विद दिस, किस चीज का? इंटेंशन का और ओवरऑल का, इन दोनों का छोटा है, किससे? देन एवरेज लॉस ऑफ लीनियर मॉडल। क्या मीनिंग हुआ? हेंस कंस्ट्रक्ट इंटेंशन और ओवरऑल मॉडल, इनकी तो स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टिव वैलिडिटी है, और जिनकी नहीं आ रही है उनकी लो प्रेडिक्टिव वैलिडिटी है। तो एक बार दोबारा से आप ये रेफर करें हमारा चार्ट। फर्स्ट में IA से कंपेयर करें, जैसे सेटिस्फेक्शन तो यहां आया कि IA से है ही नहीं छोटा, तो उसकी तो प्रेडिक्टिव वैलिडिटी नहीं हुई। सेकंड जब हमने चेक किया इंटेंशन की, लॉयल्टी की, हाँ बिल्कुल थी, IA से बेहतर थी, और उसमें जब चेक किया तो हमारा इंटेंशन तो LM से भी बेहतर था सिग्निफिकेंटली, और ओवरऑल मॉडल भी। इनकी तो हो गई स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, और एक जो बच गया लॉयल्टी, उसकी हो गई लो प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। है प्रेडिक्टिव वैलिडिटी पर उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। सो ये हम PLS के अंदर करते हैं, और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मॉडल को कंपैरिजन कैसे करते हैं। सो लेट्स स्टॉप हियर। थैंक यू।